गुड मॉर्निंग एलकेजी के बच्चों की इंग्लिश की क्लास में मैं भी आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाइए। पिछले क्लास में हमने डेज नेम सीखा है, आप लोगों का डेज नेम कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए आज मंथ्स नेम सीखते हैं, ठीक है। आज मैं मंथ्स नेम बतलाती हूँ। मंथ्स मीन्स महीने, ठीक है। साल में क्या होते हैं, महीने होते हैं, और सप्ताह में क्या होते हैं, दिन होते हैं, ठीक है। दिनों के मिलने से सप्ताह बनता है और महीनों के मिलने से ईयर बनता है। एक साल, एक साल में 12 महीने होते हैं। आपसे पूछा जाए हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आपका आंसर दीजिएगा। आपका आंसर होगा देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। क्या होते हैं, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, इन अ ईयर एक साल में 12 महीने होते हैं। अभी उनका नाम मैं लिखूंगी, काउंट करके आपको बताऊंगी 12 है या नहीं, ठीक है। फर्स्ट होता है जनवरी, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, कंप्लीट करवाई थी। आप लोग उसका अभी फिर से पढ़ाऊंगी, आप लोगों का फिर से उसका रिविजन हो जाएगा। जिनका कंप्लीट हो गया होगा अच्छी बात है, जिनका नहीं होगा वो लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जनवरी, जे ए एन यू ए आर वाई, जनवरी, एफ ई बी आर यू ए आर वाई, फरवरी, जुलाई, A U Z U S T, अगस्त, सितंबर, S E P T
एक्चुअली इसको कैसे पढ़ना है, जो बड़ा बड़ा नाम है उसको कैसे पढ़ेंगे वो मैं बताई थी पिछले क्लास में, डेज नेम में और मंथ नेम में भी। इसको पढ़ने का तरीका, याद करने का तरीका हम पढ़ें। जनवरी पढ़ना है जे ए एन यू ए आर वाई, इस तरह से पढ़िएगा जे ए एन यू ए आर वाई। इसको थ्री स्टेप में, तीन स्टेप में इसको डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो याद होगा, एक बार पूरा पढ़ने से याद नहीं होगा। पढ़ा है जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी, जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी, फरवरी एफ ई बी आर यू ए आर वाई, एफ ई बी आर यू ए आर वाई फरवरी, मार्च एम ए आर सी एच मार्च, एम ए आर सी एच मार्च, अप्रैल ए पी आर आई एल अप्रैल, ए पी आर आई एल अप्रैल, मई मई भी छोटा सा है एम ए वाई मई, जून जून भी छोटा सा है जे यू एन ई जे यू एन ई जून, जे यू एन ई जून, जुलाई जे यू एल वाई जुलाई, जे यू एल वाई जुलाई, जे यू एल वाई जुलाई, अगस्त ए यू जी यू एस टी अगस्त, 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 सितंबर एस ई पी टी एस ई पी टी एस ई पी टी ई एम बी ई आर एस ई पी टी ई एम बी ई आर सितंबर एस ई पी टी ई एम बी ई आर सितंबर, अक्टूबर ओ सी टी ओ बी ई आर ओ सी टी ओ बी ई आर अक्टूबर ओ सी टी ओ बी ई आर अक्टूबर, नवंबर एन ओ बी ई एम ई एम बी ई आर नवंबर, एन ओ बी ई एम बी ई आर नवंबर, एन ओ बी ई एम बी ई आर नवंबर, दिसंबर डी ई सी ई एम ई एम बी ई आर दिसंबर, डी ई सी ई एम बी ई आर दिसंबर, डी ई सी ई एम बी ई आर दिसंबर, ठीक है। देखते हैं जनवरी जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी, एफ ई बी आर यू ए आर वाई फरवरी, एम ए आर सी एच मार्च, ए पी आर आई एल अप्रैल, एम ए वाई मई, जे यू एन ई जून, जे यू एल वाई जुलाई, ए यू जी यू एस टी अगस्त, एस ई पी टी ई एम बी ई आर सितंबर, ओ सी टी ओ बी ई आर अक्टूबर, एफ ओ बी ई एम बी ई आर नवंबर, डी ई सी ई एम बी ई आर दिसंबर, ठीक है। फिर से देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ इसको तो के कैसे पढ़ना है छोटा छोटा स्टेप में, जे ए एम यू ए आर वाई जनवरी, जे ए एम यू ए आर वाई जनवरी, पहले पढ़ेंगे जे ए एम फिर यू ए फिर आर वाई जनवरी, जे ए एम यू ए आर वाई जनवरी, फरवरी एफ ई बी आर यू ए आर वाई फरवरी, एफ ई बी आर यू ए आर वाई फरवरी, एफ ई बी आर यू ए आर वाई फरवरी, अब है मार्च एम ए आर सी एच मार्च, एम ए आर सी एच मार्च, अप्रैल ए पी आर आई एल ए पी आर आई एल अप्रैल, ए पी आर आई एल अप्रैल, अब है मई एम ए वाई मई, एम ए वाई मई, एम ए वाई मई, अब नेक्स्ट है जून जे यू एन ई जे यू एन ई जून, जे यू एन ई जून, जुलाई जे यू एल वाई जुलाई, जे यू एल वाई जुलाई, जे यू एल वाई जुलाई, अगस्त ए यू डी यू एस टी अगस्त, ए यू डी यू एस टी अगस्त, ए यू डी यू एस टी अगस्त, अगस्त सितंबर एस ई पी एस ई पी टी एस ई पी टी एस ई पी टी एस ई पी टी ई एम ई एम बी ई आर सितंबर, एस ई पी टी ई एम बी ई आर सितंबर, एस ई पी
दिसंबर। तो हमने देखा जनवरी से लेकर दिसंबर तक एस्पेलिंग मैं लिखी हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको याद कीजिएगा। याद करने का मैं तरीका बता चुकी हूँ, छोटे छोटे स्टेप में इसको डिवाइड करके फिर याद करेंगे, तो इजी है याद करना, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ये कम्प्लीट हो सके, ठीक है। फिर मैं बताऊँगी आज की क्लास को यही स्टॉप करती हूँ, मिलेंगे कल की क्लास में।